सो हेलो दोस्तों, की हालचाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, बीबीए की कहां से सीजीसी लांडरा से। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था कि भैया एडमिशन सेशन है जो क्लोज हो चुका है, बहुत कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिल रही है, कोई ऐसा कॉलेज बताओ जहां पे अभी भी सीट है जो खाली हो। ठीक है, बहुत कम बजट में हमको एडमिशन चाहिए, डायरेक्ट एडमिशन चाहिए क्योंकि मार्क्स वगैरह भी कम आ गए हैं। तो आपके लिए ठीक है बता चुका हूँ, लास्ट बता रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे सीजीसी लांडरा। जैसे कि आपको पता ही है, मैंने पहले भी ऑलरेडी काफी सारी वीडियोज बना रखी है, बट आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि सीजीसी लांडरा में अभी भी है जो सीट्स खाली है। बीबीए के कोर्स के लिए, एमबीए के लिए सारी सीट्स फुल हो चुकी है, क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है, बीबीए का भी जो फर्स्ट बैच है स्टार्ट हो चुका है। सेकंड बैच के लिए सिर्फ यहाँ पे ठीक है 5 से 10 सीट्स है खाली है। तो जो लोग भी यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, बीबीए में अभी भी एडमिशन चालू है। कैसे एडमिशन होगी, क्या यहाँ पे ठीक है, कैसा आपकी जर्नी रहने वाली है, कितनी फीस लगेगी, क्या प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, क्या स्कॉलरशिप है, सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखना। उससे पहले मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्लेसमेंट से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ठीक है यहाँ पे जो सीजीसी लांडरा क्या है, सीजीसी की फुल फॉर्म है चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, जिसके अंदर दो कैंपस आते हैं, सीजीसी लांडरा और सीजीसी झंझेड़ी। लांडरा एक विलेज का नाम है इसलिए उसको बोला जाता है सीजीसी लांडरा, झंझेड़ी एक विलेज का नाम है इसलिए उसको बोला जाता है सीजीसी झंझेड़ी। जो लांडरा कैंपस है वो चंडीगढ़ से अप्रॉक्सीमेट 10 किलोमीटर की दूरी पे, तो काफी अच्छी कनेक्टिविटी, आप यहाँ पे किसी तरह भी पहुंच सकते हो। ठीक है, बाय एयर, बाय रेल, बाय फ्लाइट, कैसे भी आप यहाँ पे आ सकते हो, बहुत ईजिली, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। उसके बाद अप्रूवल्स की बात करें तो नैक की A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी है, और यूजीसी अप्रूव्ड है, AICTE अप्रूव्ड है, उसके बाद गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, PTU की डिग्री आपको यहाँ पे मिलने वाली है, गवर्नमेंट अप्रूव डिग्री आपको मिलने वाली है। कैंपस साइज की बात करें तो लगभग 40 से 50 एकड़ का कैंपस साइज आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको सब कुछ मतलब कि ग्राउंड्स, हॉस्टल, सारी फैसिलिटीज कैंपस के अंदर देखने को मिल जाएंगी। चंडीगढ़ से 10 किलोमीटर दूर है, तो आपकी कैंपस लाइफ भी काफी अच्छी जाने वाली है। एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 2001 की एस्टैब्लिशमेंट है, 23 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, 40 से भी ज्यादा यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कि आपके बीबीए के कोर्स की, तो बीबीए का जो कोर्स है आपका बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर आता है, तो बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स है जो यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। उसके अलावा भी काफी सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग प्रोग्राम है आपका, फार्मेसी है, कॉमर्स है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बायोटेक, होटल मैनेजमेंट, ये सारे कोर्सेज भी यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। तो टॉप यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपका जो बिजनेस मैनेजमेंट है, उसके अंदर आपके अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट दोनों कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। अंडर ग्रेजुएट आपका कोर्स है जो 3 साल का रहता है, जिसमें आपकी दो प्रकार की बीबीए ऑफर किए जाते हैं, एक नॉर्मल बीबीए, एक बीबीए सर्विस इंडस्ट्री मैनेजमेंट, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एमबीए ऑफर की जाती है, एमबीए आपको यहाँ पे सारी ब्रांचेस जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, बिजनेस एनालिटिक्स, सारी एमबीए ऑफर की जाती है, लेकिन एमबीए के एडमिशन है जो क्लोज हो चुकी है, सारी सीट्स फुल हो चुकी है। एमबीए की और बीबीए की बात करें तो बीबीए में आपको एडमिशन मिल जाएगी। बीबीए यहाँ दो प्रकार की है, नॉर्मल बीबीए और सर्विस इंडस्ट्री मैनेजमेंट। तो हम नॉर्मल बीबीए की बात कर लेते हैं, तो नॉर्मल बीबीए में जो लोग भी एडमिशन लेने जाते हैं उनको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आपने 10+2 किसी भी स्ट्रीम से पास कर रखी है, मतलब कोई भी मिनिमम मार्क्स की भी रिक्वायर्ड नहीं है, 10+2 अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से पास कर रखी है, तो आपकी डायरेक्ट एडमिशन बीबीए के कोर्स में यहाँ पे हो जाती है। एडमिशन जो यहाँ पे दी जाती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के बेसिस के ऊपर दी जाती है, तो सीट्स अभी भी खाली है। तो जो लोग पहले अपना फॉर्म भर देंगे उनकी एडमिशन है जो हो जाएगी, मतलब कोई भी आपको यहाँ पे मिनिमम मार्क्स की, मतलब अगर आपने पास कर रखी है 40 से 50% मार्क्स है, तो आपकी डायरेक्ट एडमिशन है बीबीए के कोर्स में हो जाएगी, कोई भी अलग से एग्जाम देने की जरूरत आपकी नहीं है। बीबीए का जो कोर्स है आपका 3 साल करेगा, जिसमें आपके टोटल 6 सेमेस्टर रहने वाले हैं। उसके बाद बात आती है कि कोई स्कॉलरशिप यहाँ पे, मतलब फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, तो फीस स्ट्रक्चर अगर आपको बताओ तो आपका जो बीबीए का कोर्स है वो 3 साल का रहने वाला है, जिसमें टोटल आपके 6 सेमेस्टर होंगे, तो लगभग आपको 3 लाख रुपए के आसपास है, जो मतलब 50,000 पर सेमेस्टर फीस आपकी रहने वाली है। 3 लाख रुपए आपकी अकेडमिक फीस रहेगी, 3 से 3.5 लाख रुपए आपकी हॉस्टल फीस रहेगी, तो लगभग 7 लाख रुपए आपका टोटल खर्चा रहने वाला है बीबीए करने का, 3 साल का कोर्स, जिसमें आपका रहना, खाना पीना, प्लेसमेंट सब कुछ इंक्लूडेड रहने वाला है। ठीक है, 3 साल का कोर्स है, 7 लाख का खर्चा आपका टोटल आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें स्कॉलरशिप की, अगर कोई स्कॉलरशिप यहाँ पे ऑफर की जाती है, तो आंसर है नहीं। सीजीसी लांडरा की तरफ से कोई भी स्कॉलरशिप है जो ऑफर नहीं की जाती, लेकिन जो गवर्नमेंट अप्रूव स्कॉलरशिप है वो आप यहाँ पे जरूर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कि गवर्नमेंट आपको कितनी कितनी स्कॉलरशिप दे रही है, वो वाली स्कॉलरशिप यहाँ पे वैलिड है, लेकिन डायरेक्टली सीजीसी लांडरा की तरफ से कोई भी स्कॉलरशिप ऑफर नहीं की जाती, क्योंकि ऑलरेडी जो फीस स्ट्रक्चर है यहाँ पे काफी ज्यादा समय। उसके बाद अगर हम बात करें कि कैसे आपके एडमिशन होगी, तो एडमिशन प्रोसेस और भी ज्यादा सिंपल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया गया है, जिसके थ्रू आपको क्या भरना है, फॉर्म भरना है, फॉर्म भरती है आपको कॉलेज की तरफ से कॉल आ जाएगी। कॉलेज की तरफ से कॉल आने के बाद वो आपको आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन मांगे, मतलब आपका 12th के रिजल्ट की मार्कशीट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो सारे वेरिफिकेशन होगी। ठीक है, एक 1.5 दिन में वेरिफिकेशन हो जाएगी। वेरिफिकेशन होते ही अगर आप एलिजिबल होंगे एडमिशन लेने के लिए, तो आपको कॉल आ जाएगा और आपको फीस पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा, और आप मतलब फीस पेमेंट कर देते हो तो आपकी एडमिशन कन्फर्म हो जाएगी।
सिंपल से एडमिशन प्रोसेस है, कुछ एग्जाम नहीं देना, कुछ नहीं देना, बस डॉक्यूमेंट सबमिट करो, एडमिशन अगर एलिजिबल हो तो फीस पेमेंट करो और आपकी एडमिशन स्टार्ट हो जाएगी। बैच वन ऑलरेडी चल रहा है, बैच टू 5 से 10 दिन में स्टार्ट होने वाला है, तो बैच टू में आपकी क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी और आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके मेल के ऊपर है जो आ जाएगी। हॉस्टल की जो फैसिलिटी है वो आपकी ऑप्शनल रहती है, अगर आपको लेनी है तो ले सकते हो, नहीं लेनी तो नहीं ले सकते हो। अगर आप बाहर पीजी या फ्लैट लेके रहना चाहते हो तो वो कर सकते हो। ऑप्शनल जो हॉस्टल की फैसिलिटी है वो टोटली ऑप्शनल है। ऑनलाइन एडमिशन लेते समय एक बात का खास ध्यान रखें, किसी प्रकार की जो फीस पेमेंट है आपको किसी भी एक्सटर्नल सोर्स या लिंक के ऊपर नहीं करनी है, ठीक है। जो भी फीस पेमेंट करनी है आपको सीजीसी लांडरा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही करनी है, पेमेंट करते हुए इस बातों का खास ध्यान रखें। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जिसमें आपको बताया कि वीवे की सीट्स है। यहाँ पे जो स्टूडेंट इनटेक है वो लिमिटेड रहता है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के बेसिस के ऊपर एडमिशन मिलती है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। लास्ट की कुछ सीट्स ही बची हुई है, 1 से 2 दिन बचे हुए हैं एडमिशन के लिए, तो जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं डायरेक्ट लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जिसके थ्रू अपना फॉर्म फिलअप करके अपना एडमिशन प्रोसेस है जो आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद जो एक बात रह गई प्लेसमेंट के बारे में कि भैया हमारा प्लेसमेंट कैसे रहने वाला है, तो देखो यार अगर आपको प्लेसमेंट बताऊं तो कॉलेज की प्लेसमेंट काफी ज्यादा अच्छी है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 54 एलपीए की है, ठीक है। 900 से भी ज्यादा कंपनी प्लेसमेंट्स के लिए आई है, 9000 से भी ज्यादा प्लेसमेंट ऑफर्स मिले हैं। बट अगर हम बात करें स्पेशली बीबीए की, तो क्या हमको बीबीए में यहाँ से एक अच्छी प्लेसमेंट मिलने वाली है? तो आंसर है नो। यहाँ पे जो बीबीए की आज तक का हाईएस्ट पैकेज है वो भी 8 से 9 लाख का है। एवरेज पैकेज की बात करें तो 2 से 3 लाख का एवरेज पैकेज मिलता है। बट यहाँ पे आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ की जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो मतलब जो प्लेसमेंट है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से ज्वाइंट प्लेसमेंट प्रोग्राम रहता है। तो जितनी कंपनी बीबीए के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट के लिए आएंगे उन सभी कंपनी में सीजीसी लांडरा के बच्चों को भी बैठने का मौका मिलता है। बट जो बीबीए क्या है कोर ब्रांच है जिसमें प्लेसमेंट काफी ज्यादा कम है, और अगर प्लेसमेंट होती भी है तो काफी कम पैकेजेस है जो ऑफर किए जाते हैं, क्योंकि बीबीए के बाद है मोस्टली सब बच्चे एमबीए के लिए जाते हैं। बीबीए और एमबीए करके उसके बाद आपको अच्छी प्लेसमेंट है जो मिल जाती है। तो अगर हम बात करें बीबीए के बाद प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, आपको यहाँ पे ओके ओके मिलने वाली है। 2 से 3 लाख या ज्यादा से ज्यादा 5-6 लाख का पैकेज है आपको जो ऑफर किए जाएंगे। अगर आप उसमें सेटिस्फाइड है तो आप ट्राई कर सकते हैं प्लेसमेंट के लिए, अदरवाइज यहाँ पे आप प्लेसमेंट का ज्यादा सोच के ना आए, ठीक है, कि आपको मतलब बीबीए के बाद इमीडिएटली एक अच्छा बड़ा पैकेज है जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एवरेज पैकेज आपको 3 से 4 लाख तक का या ज्यादा से ज्यादा, हाइएस्ट पैकेज अगर आपको मिल गया तो भी वो 10 लाख का हो सकता है जो मिल जाएगा। और वहीं अगर हम एमबीए की बात करें तो केस टोटली अपोजिट है। एमबीए के बाद यहाँ पे जो हाईएस्ट पैकेज है एमबीए का वो कह सकते हैं आप 28 लाख रुपए का हाईएस्ट पैकेज है। एवरेज पैकेज 6 से 7 लाख रुपए का है, और जो सारी कंपनी आती है मतलब वो आपको मतलब 4 लाख 5 लाख से लेके 10 लाख 15 20 25 और 30 लाख तक के पैकेज है जो एमबीए के लिए ऑफर की जाती है। और कंपनीज की बात करें तो 400 से 500 कंपनीज है जो एमबीए की प्लेसमेंट के लिए आती है, तो केस टोटली अपोजिट हो जाता है। बीबीए के लिए अगर हम कंपनीज की बात करें तो ठीक है, कंपनीज भी कमी आती है, 50 से 100 कंपनीज है जो बीबीए की प्लेसमेंट के लिए आती है, जिनमें से कुछ बैंक्स वगैरह होते हैं लेकिन वो पैकेज वगैरह अच्छी ऑफर नहीं करते। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि आपको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेसमेंट मिल जाएगी तो नहीं मिलने वाली है, बट अगर आपको बीबीए करना है और उसके बाद एमबीए करना है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रह सकती है। बहुत ही कम बजट में यहाँ से आपकी अच्छी खासी पढ़ाई भी हो जाएगी और आपका बजट है वो भी सही हो जाएगा। तो ये था मेरा कंप्लीट रिव्यू बीबीए के बारे में सीजीसी लांडरा से। फिर भी कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से जो हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।